जो हमारे पास जो लीगल इंटरवेंशन कर सकते हैं वो एज पर हम रूल्स करते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2023, उसके मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल और दूसरा इसमें एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। बाकी अगर आप देखेंगे डिसलोकेशन और रिलोकेशन ऑफ डॉग्स या किलिंग या कुछ भी ऐसी चीज़, वो बिल्कुल बैन है। हमने बाद में क्या कि इस सिलसिले में हमने ये किया है कि हमारे पास पहले एक एबीसी सेंटर हुआ करता था शोहामा में, वहाँ पर जब हमारी कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, 5 से 10। अब हमने म्यूनसिपल अपना एक एबीसी सेंटर बनाया है, वो आप अभी देखेंगे वो टेंकपुरा में, उसकी कैपेसिटी हमारी वहाँ में कैनल कैपेसिटी अराउंड 210 है। यहाँ पर हम मैक्सिमम 60 डॉग्स तक हम स्टरलाइज कर सकते पर डे। इसके अलावा हमारे एक और सेंटर बना रहा है हम, वो हम हमारा है चित्रहामा में, वहाँ पर भी हमारी कैपेसिटी अराउंड 100 डॉग्स की होगी, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास यही कि एनिमल बर्थ कंट्रोल, तो उसी पे काम कर रहे हैं अभी। ये ग्लोबल हेल्थ इशू है, इस तो हम श्रीनगर में नहीं है, कश्मीर में ये हर एक जगह पे है। जैसे अमेरिका में भी इशू है, वहाँ पर अगर देखिए वहाँ पर भी डॉग बाइट्स है, लेकिन वहाँ पर पेट डॉग बाइट्स है इशू रहेगा। जहाँ पर डॉग्स है वहाँ पर इशू रहता है डॉग बाइट्स के, डॉग न्यूसेंस के, या आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पर जहाँ पर इशू रहता है। स्मार्ट सिटी के लिए या ये है, ये हमारे चैलेंज है, लेकिन चैलेंज के लिए हमें जो हमें प्रोविजन है, जो लीगल प्रोविजन है, वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का। इसके लिए हमने जैसे मैंने आपको बोला कि हम इसके लिए हमें सेंटर्स बनाने, फैसिलिटी सेंटर्स बने, वो हम बना रहे हैं अभी जनरल पब्लिक के लिए। देखिए हमें यूजुअली जो कंप्लेंट्स आ रही है वो यूजुअली हर एक ही कंप्लेन करता है कि प्राइवेट डॉग है, प्राइवेट डॉग नहीं होता। इस तरीके से हमारा मैन पावर, हमारे रिसोर्स हमें इसमें ज़ाया हो रहा है। हमें वो कंप्लेंट जो जेन्युइन होती है हम उस पर नहीं जा सकते हैं। हमारा पब्लिक से ही हम गुजारिश करते हैं कि अगर किसी का एग्रेसिव डॉग तो हमें वो फ़ोन कीजिएगा। यूजुअली डॉग हैं और पॉपुलेशन डॉग्स के हैं, वो यूजुअली हमें फ्रिक्वेंटली ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में कुत्ता है इसको उठाइए, वो हम नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं जो एबीसी प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डॉग किसी मोहल्ले से किसी जगह से उठाएंगे, फिर उसको सर्जरी के लिए लाएंगे यहाँ पर एबीसी सेंटर्स में, फिर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद हमें उस डॉग को वहीं पर डालना होता है। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमें ये काम करने दीजिए, आप वापस उसी जगह पर डालने के लिए। 24/7 हमारे पास 24/7 एक कंट्रोल रूम है, वहाँ पर कंट्रोल से फोन आते रहते हैं, हेडक्वार्टर करानगर में हमारा हेडक्वार्टर, वहाँ से हमें कंट्रोल से कंप्लेंट्स आते जाते हैं, हम वो एड्रेस करते जाते हैं।